तो हेलो ट्रेस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बिना देरी के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि ट्रेडिंग जर्नल। तो आपको ये मुझे दिख रहे होगी, एक दो और तीन, ये तीन मेरे ट्रेडिंग जर्नल है। तो एग्जैक्ट ट्रेडिंग जर्नल काम कैसे करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। और एग्जैक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी सुभाषी सर का है पावर ऑफ स्टॉक, उनका ट्रेडिंग जर्नल, तो ये 1000 रुपीज़ का है। तो और ये 100 रुपीज़ की नोटबुक है, मतलब इसमें मैं लिखता हूँ। ये भी मेरा ट्रेडिंग जर्नल है लास्ट ईयर का, और ये इस ईयर का है 1000 रुपीज़ का। तो ये 1000 रुपीज़ का लेने के बाद मैं ट्रेडर बन गया, और ये इसमें फील कर रहा था तब ट्रेडर बन में गया। ऐसा नहीं कुछ, मतलब ये सिर्फ हम फॉर एग्जांपल हम टी शर्ट पहनते हैं ट्रेडर लिखा हुआ था उस, तो हम थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जो ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल सेटअप लगाया, कुछ स्क्रीन लगाया, तो जिससे कुछ हमें, या फिर कोई पैटर्न का कोई माउस लेके आ गए, उस पर बुल का सिंबल है, हम वो ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि एक मोटिवेशन मिल जाए इसे, मतलब। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो करने से आप ट्रेडर बन जाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल इस ट्रेडिंग जर्नल में मैंने जो भी सेटअप, एक एक लॉट में जो भी सेटअप में प्रैक्टिस करता था, मतलब मल्टीपल सेटअप, सब मैंने इसमें लिखे हैं। तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, मतलब। और इसमें क्या होता है, सिंपल मैं आपको एक पेज डाल दूंगा स्क्रीन पे कि इसमें होता क्या है, मतलब दिन में कब ट्रेड किया है, कभी एंट्री ली, कभी एग्जिट, ये सब इसमें लिखते हैं। सेम आप एक नोटबुक ले सकते हैं, 20-30 रुपये की आप नोटबुक लेंगे और उसमें ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो भी चलेगा। अभी मेंटेन क्या करना पड़ता है, मैं इसका एक आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। तो आप उस हिसाब से, आपकी तरफ से आप प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, कौन सा सेटअप आपने फॉलो किया, कब आपने एंट्री ली थी, कब आपने एग्जिट लिया, डे कौन सा था, और आपने किस में एंट्री की। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, या फिर कोई बैंक में ट्रेड किया, कोई स्टॉक में ट्रेड किया, तो आप वो जो लिखते हैं ना, तो उसके बाद आपको एक मंथ बाद आप जब उसको एनालाइज करते हो, तो आपको पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा तो फ्राइडे को ज़्यादा लॉस हो रहा है, या फिर आपको ऐसे पता चलता है कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी डे पे ज़्यादा लॉस कर रहा हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि जब मैं थोड़ा OTM बाय करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, या फिर इन द मनी कर रहा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स आपको समझ में आएंगे। क्या है ना, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना जितना डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप ट्रेड करने के बाद उस पर लिखना, मतलब जब भी आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जो लिखते हो ना कि मैंने ट्रेड कब प्लान किया था, उसके पहले मेरे दिमाग में क्या था, मैंने क्या प्लान करके किया, उसके बाद मैंने टारगेट कितना लिया, वो सब आप जब ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करते हो, तो उसके बाद आपको एनालाइज के बाद आपको एक रिपोर्ट आ जाता है। वो रिपोर्ट आपको बता देगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो। आप लिखते हो नहीं, ये इशू है। कभी कभी क्या होता है, आप इमोशनल ट्रेड लेते हो, ओवर ट्रेडिंग हो जाते हो, आप वो लिखते नहीं हो, लिखते नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल 5 दिन पहले आपने कौन सा खाना खाया था, मैंने पूछा तो आपको आ रहा है क्या, मतलब याद आ रहा है क्या 5 दिन पहले आपने कौन सा खाना खाया था? तो आपको सिंपल बेसिक नीड वो याद नहीं रह रहा है। तो 5 दिन पहले आपने कौन सा ट्रेड किया था, किस टाइमिंग पे किया था, उस टाइम उस प्रकार आप सोच क्या रहे थे, वो आपको नहीं पता। तो इस प्रकार आप जा रहे हो, मतलब मंथ हो रहा है, ईयर हो रहा है, आप जा रहे हो, जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आपको पीछे का कोई पता नहीं, मतलब आपको पता ही नहीं कि कौन सा डे मेरे लिए बेस्ट है, कौन से टाइम फ्रेम मेरे लिए अच्छे है, कौन सा सेटअप मेरे लिए अच्छा है। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आपने लिखा हुआ नहीं, तो माइंड में इतना सारा नहीं रहता है। जब आप लिखते हो 4 दिन बाद उसको पढ़ते हो तो आपको समझ आता है उस दिन बेस हुआ था, आज भी बेस हुआ है। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन बिना किए आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ये तो फिक्स है। मतलब ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 30-40 रुपये की कोई भी आप नोटबुक उठा के उसमें लिख के आप ट्रेडिंग जर्नल आपका मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप